दिखाते हैं विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष और अब असम की राज्यपाल की भूमिका निभा रहे गुलाबचंद कटारिया के, के विधायी समारोह के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने पहुंचे हैं सांसद दिया कुमारी मौजूद हैं विधायक मुरावतिया जी मौजूद हैं बाकी विधायक मौजूद हैं मंत्री महेश जोशी मौजूद हैं और ये जिस तरीके का कल्चर है राजस्थान में बताता है कि मतभेद हो सकता है नेताओं के बीच में लेकिन मनभेद नहीं है जो सियासी तीर आपको विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया जी के मुख से सरकार के खिलाफ होते थे उनका जिक्र बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विदाई भाषण में भी कहा था और साथ में कहा था कि बस अब यह रहेगा कि भाई साहब से हम बात नहीं कर पाएंगे लेकिन जहां वो जा रहे हैं वहां राजस्थानियों की संख्या बहुत ज्यादा है बस उनका ख्याल रखिएगा और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब इस टेबल को जरा समझिए जिस पर सब बैठे हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी चेहरे की मुस्कान देखिए जरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक ही टेबल पर है और ये सियासत की खूबसूरती है और ये महेश जोशी जी बैठे हुए हैं आरएलपी के विधायक भी मौजूद हैं नारायण बेनीवाल मौजूद हैं और ये दरअसल वो तस्वीरें हैं जो हर किसी को देखनी चाहिए क्योंकि जो कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ जमीन पर काम कर रहा होता है उसको दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मतभेद तो हो सकता है मनभेद नहीं होना चाहिए अक्सर हम देखते हैं कि पार्टी के चक्कर में वो मनभेद पैदा कर लेते हैं और राजस्थान वैसे भी शुचिता के लिए जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और जो नजीरें राजस्थान विधानसभा ने दी है वो देश में एक नए अध्याय को हमेशा लिखती नजर आई है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया के विदाई समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि वर्तमान में वो असम के राज्यपाल हैं और कल वो असम के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे भी और ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है राजस्थान के सियासतदानों का डंका जिस तरीके से पूरे देश में बज रहा है उसको इस नजरिए से भी समझिए कि आज देश के अपर हाउस राज्यसभा को जो लीड कर रहे हैं, वो राजस्थान के हैं जगदीप धनखड़ जी जो लोअर हाउस को इस वक्त लीड कर रहे हैं लोकसभा को जो लीड कर रहे हैं वो राजस्थान के हैं ओम बिरला जी और अब असम के जो राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे वो राजस्थान से हैं गुलाबचंद कटारिया जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यकीनन विधानसभा के अंदर गुलाबचंद कटारिया जी की कमी खलेगी उन विधायकों को भी खलेगी जो नए-नए नए विधानसभा पहुंचे हैं क्योंकि आप जिनको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपने आप में चलते फिरते विधानसभा के संविधान की तरह हैं। उनको विधायकी का इतना ज्ञान है कि जिनके प्रकाश पुंज के नीचे नए नए विधायकों को एक रास्ता मिलता है और ऐसे में वरिष्ठतम नेताओं में से एक न्यूज़ साथ में विजेंद्र सोलंकी अशोक गहलोत होटल राजमहल पैलेस पहुंचे गुलाबचंद कटारिया के भोज में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुना राजे स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद हैं यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जरा देखिए मंत्री डॉक्टर महेश जोशी समेत कई विधायक भी आयोजन में पहुंचे हैं असम के राज्यपाल मनोनीत किए गए हैं गुलाब चंद कटारिया जी और उनके तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है और ये तस्वीरें सियासत में बड़े संदेश देकर जाती है ये जो तस्वीरें संदेश देती है कि सियासत में आप विचारधारा के साथ चलते हुए मतभेद रख सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं इन तस्वीरों को सरा देखिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपस में बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए और साथ में डॉक्टर सीपी जोशी जोशी अपने में राजस्थान में जो सियासत में कदम रख रहे हैं उनके लिए चलती फिरती पाठशाला है ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है जिनसे सियासत सीखनी चाहिए आपकी चाहे जो भी विचारधारा हो उस विचारधारा को यह पोषित करते हैं कांग्रेस की विचारधारा को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी की विचारधारा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुना राजे प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और जिस तरीके से विधानसभा को बतौर सभापति डॉक्टर सी पी जोशी ने चलाया है वो अपने आप में बाकी राज्यों के विधानसभा के सभी सभापतियों के लिए एक अध्याय है जो उन्हें पढ़ना चाहिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं ऐश्वर्य ये वो तस्वीरें हैं जो असल मायने में राजस्थान को समझाती हैं कि राजस्थान क्या है जहां सियासी तौर पर मतभेद चाहे कितने ही हो मनभेद नहीं होते देखिए ये जो एक सियासी तस्वीर है इसका मैं जिक्र करूंगा बड़ी रोचक तस्वीर है जैसे ही अशोक गहलोत और सी पी जोशी बैठे हुए थे राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए थे राजेंद्र राठौड़ ने एक कुर्सी खाली रख ली राजेंद्र राठौड़ ने एक सम्मान के साथ कहा कि जब उन्हें सीपी जोशी ने अपने पास बिठाने के लिए कहा तो राठौड़ सम्मान के साथ बोले कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आ रही हैं तो उसके बाद सीपी जोशी ने सीधे तौर पर यह कहा कि उन्हें भी बुलवा लीजिए जैसे ही वो वहां पर आई उनके लिए जो थी, सीपी जोशी ने स्वयं की सीट दी तो ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत तो और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बिल्कुल पास में बैठे हुए ये एक एक खूबसूरत सियासी तस्वीर है तो एक तरफ अशोक परनामी भी हैं तो रामलाल जाट भी हैं भजन लाल जाटव भी हैं दोनों विचारधाराओं के लोग संत के रूप में आप देखें या फिर सांसद के रूप में देखें तो भी यहाँ पर मौजूद है तो ये खूबसूरत तस्वीर कही जा सकती है आप देख पा रहे हैं ये हमारे कैमरा सहयोगी संजय है लगातार इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं इन तस्वीरों में सबसे खास खूबी यही दिखेगी कि तमाम विचारधाराओं के लोग एक साथ बैठे हुए हैं हालांकि इस वक्त चुटकी का दौर भी चला जब सीपी जोशी ने उस सीट पर जो मुख्यमंत्री की सीट के पास वाली सीट पर उन्हें बिठाया पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री बोली की आप इधर बैठिए फिर आपस में एक लखनवी अंदाज होता है पहले आप इधर बैठिए तो ऐसे में एक स्वाभाविक सी तस्वीर बनी है जिसमें मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री साथ में बैठे दिखाई दे रहे बिल्कुल ऐश्वर्या और ये कार्यकर्ताओं को भी तस्वीरों को देखना चाहिए लेकिन जरा बताइए क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम सुबह से चल रहे हैं ये कार्यक्रम संदेश क्या देते हैं देखिए ये कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हो जाता है कि इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो यहाँ पर तमाम विचारधाराओं के लोग पहुंचे सांसदों की भी मौजूदगी है विधायकों की भी मौजूदगी है और प्रमुख विधायक यहाँ पर मौजूद है मंत्रियों की भी मौजूदगी है स्वामी सुवेदानंद हो दिया कुमारी हो भजन लाल हो ये तमाम लोग हैं तो महेश जोशी हो अधिकारियों में अगर बात करें तो यहाँ पर एम एन दिनेश यहाँ पर मौजूद है उमेश मिश्रा की यहाँ पर मौजूदगी है और इन सबके अलावा उषा शर्मा है उनके हस्बैंड है जो पूर्व आई ए एस है वी शर्मा उनकी मौजूदगी है इस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स भी हैं प्रबुद्ध लोग भी शहर भर के यहाँ पर आए हुए हैं और उनके अलावा यहाँ पर जो आपको दिखाई देंगे उनमें सबसे खूबसूरत तस्वीर यही दिखाई देती है कि सब एक साथ बैठे हुए हैं ममता भूपेश आई ममता भूपेश की भी यहाँ पर मौजूदगी तो एक अच्छी खासी प्रबुद्ध लोगों की और जनप्रतिनिधियों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे सकती है बिल्कुल ऐश्वर्या और ये हंसी मजाक जिस तरीके से चल रहा है वाकई में एक सियासी तौर पर बेहतरीन संदेश है और जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है ये राजस्थान के लिए गौरव का पल है और इसीलिए हर कोई गौरवान्वित महसूस भी, भी कर रहा है लेकिन ऐश्वर्या कुछ दिन पहले ही जब बजट भाषण चल रहा था तब एक हल्की सी नोकझोंक थी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जो बजट में गलतियों को लेकर थी जिन्होंने उनको उस तस्वीर को देखा होगा और आज इस तस्वीर को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि सियासत अपनी जगह और सामाजिक दायित्व तो अपनी जगह चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें सर देखिए इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कीजिए क्योंकि तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है विधानसभा में कल तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले गुलाबचंद कटारिया अब असम के माननीय राज्यपाल बन गए हैं जल्द वो जिम्मेदारी वहां संभालेंगे और उन्हीं की तरफ से यह रात्रि भोज का आयोजन किया गया है होटल राजमहल पैलेस के अंदर इस कार्यक्रम को रखा गया है जिसमें तमाम नेतागण पहुंचे हैं। और यह वो तस्वीर जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुना राजे आई तो किस तरीके से उनकी आगमन में उनके स्वागत में पहले तो सब खड़े हुए उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी ने अपनी सीट उन्हें ऑफर की लखनवी अंदाज में पहले आपकी एक परिणिति को निभाया गया और उसके बाद जो बातचीत हुई वो हम आपको दिखा नहीं पा रहे लेकिन मुस्कुराहट अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है गुलाबचंद कटारिया जी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए और ये तस्वीर देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में विदाई भाषण के दौरान भी कहा था जब वो गुलाबचंद कटारिया जी के लिए विदाई भाषण दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि बड़ा मतभेद रहता है गुलाब जी हमारे बारे में ना जाने क्या क्या बोलते हैं लेकिन भाई साहब वैसे बड़े अच्छे हैं हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं इन तस्वीरों को देखिए इन तस्वीरों के अंदर आपको पूरी राजस्थान की सियासत समझ में आएगी और सियासत के साथ संजीदगी नजर आएगी राजेंद्र राठौड़ डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व मुख्यमंत्री वसुना राजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री महेश जोशी और बाकी मौजूद हैं गुलाबचंद कटारिया जी व्यवस्था को देखते हुए क्योंकि रात्रि भोज उनकी तरफ से रखा गया है इसलिए सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते हुए असम के राज्यपाल के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे और ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है क्यों बीते कुछ सालों में राजस्थान के सियासतदान जिस तरीके से देश के सर्वोच्च स्थानों तक पहुंचे हैं ये वाकई में राजस्थान के लिए गर्व करने का विषय है अपर हाउस राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी ने राजस्थान का मान बढ़ाया बतौर सभापति जिम्मेदारी संभाली लोकसभा में ओम बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली राजस्थान का मान बढ़ाया और अब राज्यपाल के तौर पर गुलाबचंद कटारिया जी जिम्मेदारी संभालेंगे और ये भी राजस्थान के लिए गौरव की बात है अक्सर यह बात होती थी कि केंद्र की सियासत में राजस्थान के नेताओं की भागीदारी कम होती है लेकिन बीते कुछ सालों में यह परिपाटी लगभग बदलती हुई नजर आई यह परिपाटी इतनी बदल गई कि अब शीर्ष स्थानों पर राजस्थान के नेता बतौर राज्यपाल जिम्मेदारी निभाने के लिए जा रहे गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ जुड़कर संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते